हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. डियर्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर फिट एंड फाइन एंड हैविंग अ गुड हेल्थ. सो स्टूडेंट्स, नाउ एज वेल एज स्टडी, देयर वॉज द कंप्लीटेड चैप्टर 10, द स्टोन सूप एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमेनिंग पैसेजेस. आई होप सो यू ऑल हैव ऑल्सो अंडरस्टूड एंड रिवाइज दैट ऑल्सो एट होम. सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना? समझ में आया ना सबको? स्टोरी एक्सप्लेन हो गई थी ना? ओके, गुड. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट एंड शॉर्ट टाइप एक्सरसाइज एज वेल एज वी ऑलवेज डू ऑफ ऑल चैप्टर्स एज वी रीड एक्सरसाइज. ठीक है, एज वी रीड एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना. यस, तो पेज नंबर जो आपका है वो पेज नंबर 54 है. तो चलिए सब लोग जल्दी से पेज नंबर 54 ओपन कीजिए. डू इट फास्ट. कर लिए सब लोगों ने ओपन? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एज वी रीड. स्टार्ट. ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं. इफ यू वांट टू राइट इन बुक सो राइट इट, इफ यू आर नॉट हैविंग स्पेस सो यू मे नोट डाउन इन नोटबुक. ओके, वेयर वर द सोल्जर्स गोइंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोल्जर्स. मीन जो सोल्जर्स थे, जो क्या थे, सिपाही थे, थ्री हंग्री सोल्जर्स, वो कहाँ जा रहे थे? यस, तो हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पैसेज में रीड किया था ना कि सोल्जर जो है वो अपने होम पे जा रहे थे, अपने होम की तरफ रिटर्न हो रहे थे, वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, है ना? यस, ओके. सो द आंसर वी विल राइट रिटर्निंग होम. आंसर क्या लिखेंगे? रिटर्निंग होम. आंसर आपका होगा आर ई टी यू आर एन आई एन जी. ठीक है, रिटर्निंग होम, एच ओ एम ई होम. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वॉट वर द सोल्जर्स होपिंग टू फाइंड एट द विलेज? मीन जो भी सोल्जर्स थे वो लोग विलेज में किस चीज़ को पाने की आशा कर रहे थे, होप कर रहे थे कि उनको मिलेगा? यस, फूड के लिए ना. आंसर क्या होगा? फूड एंड अ बेड फॉर स्लीपिंग. आप अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो ऐड कर लेंगे एंड अ बेड फॉर स्लीपिंग. ठीक है, फूड भी चाहिए था उनको. डिड द विलेजर्स शेयर व्हेन द सोल्जर्स आस्क फॉर फूड? क्या विलेजर्स ने अपने फूड को शेयर किया था सोल्जर के साथ, जब सोल्जर्स ने, सारे सोल्जर्स जो हैं उन लोगों ने जब फूड के बारे में आस्क किया था, वो फूड मांग रहे थे, भोजन मांग रहे थे, तो क्या विलेजर्स ने उनको दिया? आंसर क्या होगा? नो, नो वन, किसी ने नहीं दिया था. ठीक है ना, सबने डिनाई कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए. व्हाट डिड द सोल्जर्स टेल द विलेजर्स दे वर गोइंग टू मेक? व्हाट डिड द सोल्जर्स टेल द विलेजर्स? सोल्जर्स ने विलेजर्स से क्या कहा? दे वर गोइंग टू मेक, कि वो क्या बनाने जा रहे थे? यस, दे टोल्ड दे आर गोना टू मेक द स्टोन सूप. ठीक है, ओके स्टूडेंट. What were the soldiers tell the villagers they were going to make? Yes, they told now they will make stone soup. ठीक है, उन लोगों ने कहा कि हम एक स्टोन सूप बनाने जा रहे हैं. ठीक है, What all things did the soldiers finally get to make their soup? Means कौन सी ऐसी सारी things थी जो कि soldiers ने क्या किया, सूप बनाने के लिए villagers से ask किया, मंगाया. Yes, firstly there was water. देन स्टोन, सॉल्ट, पीपर, आई हैव इटन कैरेट्स एंड कैबेज एक्सेट्रा. ठीक है, अगर आप नोटबुक में राइट कर रहे हैं तो आप सब कुछ राइट करेंगे, स्टोन भी, वाटर भी, सॉल्ट भी, पीपर भी, विथ कैरेट्स, कैबेज, ओके, इट इज सी. डिड द सोल्जर्स शेयर देयर सूप? डिड द सोल्जर्स शेयर देयर सूप? क्या सोल्जर्स ने अपने सूप को शेयर किया था विलेजर के साथ? यस, सूप को क्या किया था? शेयर किया था. आफ्टर मेकिंग दैट, उसको बनाने के बाद उन लोगों ने शेयर किया था उसको. ठीक है, कंप्लीटेड. देखिए स्टोन सूप है, स्टोन सूप आप अपने बुक की हेल्प से कर सकते हैं, एस टी ओ एन स्टोन, एस ओ यू पी सूप. सो कंप्लीट कर लीजिए. कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55. चलिए पेज नंबर 55 पे चलिए. यस, सो पेज नंबर 55 इज हियर. यस,
You have first. Let's try meaning from the story. Now we have the word meaning here. Start to see first. Coils. Okay? Means coils. What's the meaning of coils? Warm. Means gurm. Bed covers. Bed ki jo cover hoti hai. Kyunki warm hoti hai. Let's call quilts. Okay? Quilts kehte hai isko. Next hai. Hey. Next. Hey. क्या होता है ये ड्राई ग्रास होता है यूज टू फीड कैटल ये सूखे हुए घास होते हैं ठीक है ग्रास होते हैं जो कि हम कैटल को फूड करने के लिए कैटल को फीड करने के लिए उनको खिलाने के लिए हम इसे क्या करते हैं यूज़ करते हैं ठीक है ड्राई ग्रास को ठीक है नेक्स्ट है हार्वेस्ट नेक्स्ट हार्वेस्ट क्रॉप्स गैदर्ड मीन्स जो भी फील्ड में क्रॉप्स हुई हैं उसको गैदर करना फ्रॉम फील्ड कहाँ से फील्ड से फॉर फूड फूड के लिए ठीक है ना भोजन के लिए और जो एक्स्ट्रा होता है उसको अलग सेल कर देते हैं मार्केट में स्क्रैप्स नेक्स्ट क्या है स्क्रैप्स स्मॉल पीसेज छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना उसको कहते हैं स्क्रैप्स जैसे कि उन लोगों ने मीट के स्मॉल पीसेस को आस किया था जब वो लोग सूप बना रहे थे ठीक है ना दे आस्क अबाउट दी स्क्रैप्स ऑफ मीट ठीक है नेक्स्ट है स्टायरिंग मीनिंग ऑफ स्टायरिंग मूविंग ब्रिस्कली स्टारिंग मूविंग ब्रिस्कली तेजी के साथ मूव करना नेक्स्ट आपका है रग नेक्स्ट क्या है रग थिक उलेन कवर एक कवर जो कि क्या हो उलेन हो और थिक हो मोटा भी हो ठीक है दैट्स कॉल रग जो कि उन लोगों ने फ्लोर पे क्या किया था स्प्रेड किया था बिछाया था ठीक है फॉर हैविंग दी सूप सूप को ईट करने के लिए उसके बाद स्पेलिंग बी Practice spelling these words. First carrot, second cabbage, third bread, soldier, styrene, harvest and quills. ये सारे word आपके book से हैं इसको आप क्या करेंगे इसको read कीजिए Come on next. Looking at the picture. Let's try first. Look at the pictures on page number 52 and 53 in the story and then answer this question. ये आपकी short type question answer हैं ठीक है चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं Where are the soldiers sitting? Soldiers जो है वो कहाँ बैठ रहे हैं Soldiers कहाँ पे बैठ रहे हैं कहाँ पे बैठे हुए हैं Yes, on a blanket means blanket जो उन लोगों ने स्प्रेड किया है फ्लोर पे उस पर बैठे हैं What are they doing? और वो लोग क्या कर रहे हैं Drinking soup. जो सूप उन लोगों ने बनाया था स्टोन सूप उसको वो ड्रिंक कर रहे हैं उसको पी रहे हैं ठीक है What is the lady carrying? लेडी जो है वो क्या कैरी कर रही है लेडी क्या कैरी कर रही है लेडी इज कैरिंग फॉर द सूप लेडी जो है वो सूप के लिए कैरी कर रही है ठीक है हाउ मेनी पीपल अपार्ट फ्रॉम द सोल्जर्स डू यू सी इन द पिक्चर इस पिक्चर में सोल्जर्स के अलावा आप कितने लोगों को देख सकते हो तो टोटल आपके कितने लोग हैं सिक्स पीपल हैं आप इसमें देखिए काउंट कर लीजिएगा ठीक है स्टूडेंट्स नाउ दिस क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू ऑन द बोर्ड ओके ऑन द नेक्स्ट डे मैं ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगी जो कि बोर्ड पे होगा और आप उसको मेरे नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ठीक है क्लियर है ओके सो लीव इट नो नीड टू राइट इट इसको आप राइट नहीं करेंगे आज आई विल गिव यू ऑन द नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट डे आप लोग को आंसर दूंगी इसको ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सप्लेन किया है Thinking about the story, let's try two. Yes, write yes or no. Yes or no type की size है First, the soldiers were happy to see the village. Soldiers जो थे वो village को देख करके happy हुए थे sad हुए थे Yes, answer क्या होगा Yes. वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्या थे खुश थे हो जाएगा Yes. चलिए next page पे चलिए One more page I have. एक और page हमारे पास है Yes or no type का ही है देखिए The villagers were happy to share their food. Villagers जो थे वो अपने food को share करने के बाद happy थे No. वो बिल्कुल share नहीं करना चाहते थे Answer होगा No. The first woman told Leo, I have nothing to share. First woman जब Leo ने ask किया कि we want some food. तो answer ने woman ने क्या answer किया Yes. मेरे पास क्या है कुछ भी नहीं आपको share करने के लिए Means ये right है Ivan asked the villagers for a fine pan. Ivan asked the villagers for a frying pan.
इवान ने विलेजर से फ्राइंग पैन के बारे में आस्क किया, मांगा, पूछा? नो, ओनली बाउल, ठीक है, बाउल आस्क किया था, फ्राइंग पैन नहीं. स्लोली स्लोली द सोल्जर्स गॉट वाटर, सॉल्ट, कैरट्स, कैबेज एंड मीट फॉर द सूप. यस, इन सारी चीज़ें क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है वो सोल्जर्स को मिली थी. अ मैन ब्रॉट अ बास्केट ऑफ ब्रेड टू हैव विद सूप. यस, अ मैन ब्रॉट अ बास्केट ऑफ ब्रेड. नोबडी एट द सूप, नोबडी एट द सूप, किसी ने सूप को क्या किया, नहीं खाया, यहाँ पर रॉन्ग होगा नो, ठीक है. नोबडी एट द सूप, आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि आंसर आपका होगा यस. अगर हम इसको यस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीन्स हाँ, बट यहाँ पे आंसर होगा नो, नहीं, सबने सूप को क्या किया था, ईट किया था. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ दिस आर टुडेज एक्सरसाइजेस. चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग. नेक्स्ट डे आई गिव यू दी लेट्स ट्राई वन एक्सरसाइज एंड लेट्स ट्राई थ्री एक्सरसाइज ऑन दी बोर्ड, ठीक है. ओके, सो डू योर वर्ड मीनिंग फर्स्टली टुडे, देन लेट्स ट्राई सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है, एंड एज वी रीड एक्सरसाइज ऑल्सो इन वेयर नोटबुक. सब आप नोटबुक में करेंगे, बुक में कुछ नहीं करना है. बुक में भी कर लेंगे, फिर उसको नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है. ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.